नमस्कार दोस्तों, थिंगाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम इंडियन एंथ्रोपोलॉजी पर चर्चा कर रहे हैं, नृतत्व शास्त्र, उत्पत्ति एवं विकास, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम विश्व संदर्भ को देखेंगे। किसी भी विषय का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं प्रस्तुतिकरण विषय को पूर्णता प्रदान करता है। इतिहास हमारे सांस्कृतिक विरासत एवं धरोहर का साक्षी है। किसी घटी हुई घटना के विषय में क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि प्रश्न उठना घटना के अतीत के संदर्भ में उत्सुकता जागृत करते हैं। साथ ही इनमें उत्तर घटना का अप्रत्यक्ष इतिहास है। व्यक्ति के जीवन से वर्तमान के साथ साथ प्रमाण के रूप में अतीत सदैव संबद्ध होता है। नृतत्व विज्ञान भी मानव तथा उसके कार्यों का अध्ययन होने के कारण इतिहास के अभाव में अपूर्ण है। नृतत्व विज्ञान का विकास एवं विस्तार 20वीं शताब्दी के चौथे दशक से आरंभ हुआ था। विकास एवं विस्तार की प्रक्रिया में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी तथा अमेरिका के कतिपय विद्वानों के बौद्धिक तथा सक्रिय योगदान उल्लेखनीय हैं। नृतत्व शास्त्र के किसी भी अध्ययनकर्ता के लिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन काल केवल उत्सुकता ही नहीं अपितु वह विषय की अभिव्यक्ति के लिए भी आवश्यक है। मानव विज्ञान पूर्व में मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र के साथ ही संबद्ध था। इसके पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व को स्थापित करने में जिन विद्वानों, दार्शनिकों और इतिहासविदों ने अथक प्रयास किए हैं, वे मानव विज्ञान के क्षेत्र में सदैव सराहनीय रहेंगे। इस अध्ययन में विभिन्न विद्वानों के बौद्धिक योगदान को पहले विश्व स्तर पर और उसके उपरांत भारतीय स्तर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। स्पष्ट है कि इन सभी विद्वानों ने इसे इतिहास के रूप में अतीत से वर्तमान को समझने का प्रयास किया है। नृतत्व शास्त्र के उत्थान एवं विकास को तार्किक, वैज्ञानिक व अर्थपूर्ण अध्ययन की दृष्टि से विभिन्न नृतत्व शास्त्रियों ने मानव शास्त्र को चार भागों में विभाजित किया है। इस कार्य में सर्वश्री हेडन 1934, पैनीमन टीके 1935, लैवी एचआर 1936 का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने नृतत्व शास्त्र का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके उसके क्रमबद्ध विकास पर प्रकाश डाला है। संपूर्ण विश्व में सामाजिक मानव शास्त्र के विश्लेषण एवं निरूपण को देखते हुए पैनीमन ने इस विषय के विकास को चार कालावधि के अंतर्गत अंकित किया है। पहला है निर्माणात्मक काल, जिसको हम कहते हैं फॉर्मुलेटिव पीरियड 1835 से पूर्व। दूसरा है अभिकेंद्रित काल, कन्वर्जेंट पीरियड 1835 टू 1859। तीसरा है रचनात्मक काल, कंस्ट्रक्टिव पीरियड 1860 टू 1900। चौथा है समालोचनात्मक काल, क्रिटिकल पीरियड 1900 से ऑनवर्ड। पैनीमन ने सामाजिक मानव शास्त्र को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक धरातल पर विश्लेषित एवं निरूपित करने के उपरांत इसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पैनीमन की पुस्तक नृतत्व विज्ञान के 100 वर्ष का प्रकाशन 1935 में हुआ था। यह पुस्तक मुख्यतः सामाजिक मानव शास्त्र के विकास के विभिन्न पहलुओं तक ही सीमित थी। इसके उपरांत 1935 के पश्चात के विकास का प्रश्न उत्पन्न होता है, जब विश्व के विभिन्न सामाजिक मानव शास्त्रियों ने विभिन्न सामाजिक संस्तरों को एवं मानव समुदायों में निहित समस्याओं को वैज्ञानिक एवं समालोचनात्मक रूप से अध्ययन प्रस्तुत किए। लगभग इसी समय विभिन्न सामाजिक विचारकों ने समाज एवं समुदाय का अध्ययन सैद्धांतिक विकास की दृष्टि से प्रारंभ किया। पैनीमन द्वारा वर्गीकृत इन चार कालावधि के अंतर्गत विश्व स्तर पर जिन सामाजिक मानव शास्त्रियों ने इस विषय का वैज्ञानिक, समालोचनात्मक, सैद्धांतिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है, उनकी विवेचनात्मक प्रस्तुति आवश्यक है। निर्माणात्मक काल अवधि सन 1835 से पूर्व। इस समय अवधि में ग्रीक सामाजिक विचारक एवं दार्शनिकों ने सामाजिक तथ्यों एवं उद्देश्यों की विश्लेषणात्मक विवेचना की है। इसमें हीरोडोटस 484 से 425 ईसा पूर्व, डेमोक्रेटस 460 से 370 ईसा पूर्व, प्रोटोगोरस 480 से 410 ईसा पूर्व, साक्रेटिस 470 से 399 ईसा पूर्व, ल्यूक्रेटस
99 से 55 ईसा पूर्व को उद्धृत करना अत्यंत आवश्यक होगा। हेरोडोटस ने अपनी प्रवासीय प्रवृत्ति के कारण दूर दूर के प्रवास के अनुभवों के आधार पर विश्व की विभिन्न प्रजातियों एवं संस्कृतियों का गहन अध्ययन किया। अतः प्राचीन ग्रीक साहित्य में उन्हें इतिहास के पिता के नाम से संबोधित किया गया है। लिखित प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हेरोडोटस ने पूर्व से पश्चिम की ओर 2720 किलोमीटर 1700 मील तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 2560 किलोमीटर 1600 मील की लंबी यात्रा की, जबकि आज की तुलना में उन दिनों आवागमन के साधन बिल्कुल ही विकसित नहीं थे। हेरोडोटस अपनी यात्रा के दौरान 50 से भी अधिक प्रजातियों से संपर्क में आने के कारण उन समुदायों एवं प्रजातियों की संस्कृति, प्रथाओं, परंपराओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं। वस्तुतः उन्हें इतिहास के पिता कहने की अपेक्षा ग्रीक प्रजातियों का पिता कहना अधिक तर्कसंगत होगा। हेरोडोटस के समकालीन लेखकों ने मात्र संस्कृति एवं संस्कृति उद्विकास की विवेचना की है, किंतु हेरोडोटस के लेखन में संपूर्ण व्यवहारिक जीवन, उनकी अर्थात जिन प्रजातियों व समुदायों से उन्होंने संपर्क साधा, बोलचाल की भाषा, शारीरिक प्रकार, भौतिक, सांस्कृतिक, विवाह, तलाक, सामाजिक कानून, प्रथा, शासन, न्याय, युद्ध प्रकार, धर्म आदि प्रमुख रूप से उल्लिखित हैं। हेरोडोटस ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कुआं के विषय में चर्चा की। कुआं प्रथा के अनुसार पत्नी के प्रसव के समय पति भी प्रसव पीड़ा के अनुभव का नाटक करता है। उन्होंने विवाह पूर्व यौन संबंधों के विषय में और पितृसत्तात्मक विवाह प्रथा पर अपने विचार प्रस्तुत किए। यह कदापि विवादास्पद नहीं है कि हेरोडोटस को ग्रीक संस्कृति का बड़ा अभिमान था। अतएव यह कहा जा सकता है कि उस समय प्रचलित आदिकालीन एवं असभ्य संस्कृति की तुलना में उन्होंने अपनी संस्कृति को ही परिष्कृत एवं उच्च माना है, किंतु उनका उद्देश्य विश्व संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को समुचित रूप से प्रस्तुत करना था। उन्होंने समस्त मानव प्रथाओं को महत्वपूर्ण एवं श्रृंखलाबद्ध माना है। यही वर्तमान में सामाजिक मानवशास्त्रीय अनुसंधान का प्रमुख विषय है। हेरोडोटस के सृजनात्मक योगदान को वर्तमान युग के नृतत्व शास्त्रीय साहित्य की तुलनात्मक परिदृश्य में देखने पर निसंदेह यह कहा जा सकता है कि उनका जनजातीय संस्कृति क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है, जबकि उन दिनों मानवशास्त्र की पृथक विषय के रूप में कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। इस प्रकार उनका यह प्रयास मानवशास्त्र के उद्विकास एवं निर्माणात्मक काल में नींव के रूप में सराहनीय है। मानवशास्त्र के क्षेत्र में हेरोडोटस के पश्चात कुछ और ग्रीक विचारक समाज में निहित विशिष्ट पहलुओं एवं समस्याओं के अध्ययन की ओर उन्मुख हुए और मानव संस्कृति के भौतिक सामाजिक उद्विकास को यथासंभव सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत प्रकाशित किया। इस श्रृंखला में डेमोक्राइटस 460 से 370 ईसा पूर्व के योगदान का उल्लेख करना आवश्यक होगा। डेमोक्राइटस ने समाज में प्रचलित मानवीय प्रथाओं को सैद्धांतिक रूप से अध्ययन कर सफलतापूर्वक समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से दर्शाया कि मानवीय आवश्यकताएं समाज में होने वाले विकास की जननी है। उनके मतानुसार एक अकेला व्यक्ति आत्मसुरक्षा की मनोवृत्ति के कारण बीहड़ जंगलों एवं गुफाओं में नहीं रह सकता था। अतएव दैनिक गतिविधियों के लिए समाज में निहित अन्य व्यक्तियों की सहायता आवश्यक थी। इसी के फलस्वरूप सामाजिक संगठन एवं सामाजिक अंतःक्रियाएं सक्रिय हुई। परिणाम स्वरूप मानव की इसी प्रारंभिक अवस्था के कारण सभ्यता का जन्म संभव हुआ। इसके उपरांत मानव सभ्यता का क्रमिक विकास हुआ। सामाजिक निरंतरता के संदर्भ में डेमोक्राइटस ने सामाजिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस परिप्रेक्ष्य में यह कहना तर्कसंगत होगा कि सर्वप्रथम डेमोक्राइटस ने ही मनुष्य की पक्षी एवं जानवरों से तुलना करके यह सिद्ध किया कि मानव ने विविध सांस्कृतिक तत्वों को पक्षी एवं जानवरों की क्रियाओं से ही आत्मसात किया। उदाहरण के लिए बुनने की कला का अनुकरण मकड़ी से, वास्तुकला का अनुकरण चिड़िया से, सुरीली आवाज़ नाइटेंगल से,
एवं गाना हंस से सीखा। गाना किसे सीखा? हंस से सीखा। अपनी सूझबूझ एवं अद्भुत तार्किक क्षमता के आधार पर डेमोक्राइटस द्वारा मानवीय सांस्कृतिक तत्वों की उत्पत्ति का विचार अनोखा ही कहा जा सकता है। प्रोटोगोरस 480 से 410 ईसा पूर्व ने अपने विशिष्ट चिंतन एवं विचारधाराओं के कारण समस्त ग्रीक साहित्य में अद्वितीय स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने अपनी थीसिस व्यक्ति ही वस्तुओं का प्रमाप है, मैन इज द मीजर ऑफ ऑल द थिंग्स का उल्लेख अपनी प्रसिद्ध रचना सत्य या अस्वीकृति ट्रुथ और रिजेक्शन में किया है। इस रचना के कारण वे अपने समकालीन विद्वानों में विवादास्पद रहे। उन्होंने यह कहा कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, यह जानने का मेरे पास कोई माध्यम नहीं है। उन्होंने यह भी लिखा कि यदि मनुष्य ही संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र होता है और ईश्वर का मानवीय व्यवहार में कोई भी हस्तक्षेप ना होता तो संभवतः सामाजिक व्यवहार का कोई अस्तित्व नहीं होता। इस संदर्भ में उन्होंने सापेक्षवाद के सिद्धांत को थ्योरी ऑफ रिलेटिविज्म प्रमाणित करने के लिए क्रमिक उद्विकास की योजना को स्पष्ट करते हुए यह दर्शाया कि विभिन्न सामाजिक तत्व किस प्रकार अस्तित्व में आए। आदिम समाज मूल एवं प्रारंभिक आविष्कारों जैसे भाषा, पारिवारिक न्याय, नैतिकता आदि में एक समान स्वीकृत एवं अविभाजित थे, जिसे मानव विकास के प्राथमिक चरण के रूप में स्वीकारा जा सकता है। प्रोटोगोरस के पश्चात प्राचीन ग्रीक साहित्य में सामाजिक तथ्यों के विषय में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए सोक्रेटिस का 470 से 399 ईसा पूर्व विशेष पहचान रही है। प्रोटोगोरस के मतानुसार प्रत्येक समाज निश्चित ही कुछ सार्वभौमिक मूल्यों से मार्गदर्शित होता है, जिनमें विविध सामाजिक प्रथाओं का उद्भव होता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस तथ्य की भी पुष्टि की है कि सामाजिक सार्वभौमिक नीति सामाजिक नैतिकता से संबंधित है, जबकि सार्वभौमिक मान्यताएं मनुष्य के सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग होती है। उन्होंने यह भी दर्शाया कि ये मानव जीवन की सार्वभौमिक विशेषताएं जिन्हें अनुभव नहीं किया जा सकता। कभी कभी उन्हें शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना समस्याप्रद हो जाता है। उनके मतानुसार मानव जीवन की सार्वभौमिक विशेषताओं को अपनाने के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें व्यक्ति दैनिक जीवन में स्वयं अपने आप सीख लेता है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति की भूल का कारण अनभिज्ञता हो सकती है और इसी अनभिज्ञता एवं अस्पष्ट सामाजिक नियमों में व्यक्ति दास की भांति जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार सोक्रेटिस ने विशेष आग्रह से कहा कि सामाजिक व्यवहार के विषय में औपचारिक प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है, अपितु उसे व्यक्तिगत एवं प्राकृतिक रूप से ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है। व्यक्ति के व्यवहारिक प्रकार सामाजिक व्यवहारिक अभिव्यक्ति इस प्रकार से होनी चाहिए जो सामाजिक लोकाचार को समझने में सहायता प्रदान करे। अतः इस दिशा में सोक्रेटिस प्रमुख रूप से सामाजिक जीवन का दार्शनिक पक्ष प्रस्तुत कर अपने समसामायिक ग्रीक अभिजात वर्ग में चर्चित रहे, साथ ही उनके इस दार्शनिक पक्ष को भी स्वीकृत किया गया। सोक्रेटिस के पश्चात उनके शिष्य प्लेटो 427 से 347 ईसा पूर्व का नाम भी उल्लेखनीय है, जो अपने शिक्षक के इस तथ्य से सहमत थे कि सामाजिक व्यवहार प्रकार सार्वभौमिक आधार पर सामाजिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। प्लेटो ने ज्ञानार्जन के विभिन्न स्रोतों के विषय में सोक्रेटिस द्वारा कई अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर सफलतापूर्वक दिए हैं। कई समालोचकों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्लेटो की रुचि वास्तव में ना तो समाज की उत्पत्ति के विषय में थी, ना किसी सैद्धांतिक ढांचे में ही। इस संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि यह सोक्रेटिस का एक बौद्धिक प्रयास मात्र था, जो आदर्श समाज की कल्पना साकार करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। उद्विकास की दृष्टि से प्लेटो के मतानुसार मानवीय समाज का विकास एक पक्षीय था। उनके इस कथन का प्रमुख उद्देश्य समाज में निहित ऐसे तत्वों की खोज करना था जो समाज का बहुमुखी विकास होते हुए भी सभी युगों में स्थिर व अथवा अचल रहा हो। प्लेटो ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि ग्रीक जनांकीय
अवधारणा के अनुसार जिस नगर एवं राज्य में जनसंख्या का आधिक्य ना हो वही प्लेटो के आदर्श समाज राज्य है, किंतु इस ओर भी भरपूर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है जिसमें सीमित एवं उपयुक्त संवर्धन रिप्रोडक्शन संभाव्य हो। यह प्रथम एवं विस्तृत योजना थी जिसे इन सामाजिक विचारकों ने दूरदर्शिता से प्रस्तुत किया। अंत में यही कहा जा सकता है कि प्लेटो के तर्क आधुनिक मानवशास्त्रीय अनुसंधानकर्ताओं से कदापि मेल नहीं खाते। यद्यपि कुछ निष्कर्ष 19वीं शताब्दी के उद्विकास से संबंधित विशेषज्ञों की विषय वस्तु विशेषक विशेषकर हेनरी मेन के पितृसत्तात्मक परिवार की उत्पत्ति से मिलते जुलते हैं। सभी ग्रीक दार्शनिक एवं विचारकों में एरिस्टोटल 384 से 322 ईसा पूर्व अरस्तु जिन्हें कहते हैं की स्थिति सर्वोच्च है। एरिस्टोटल ने ही सर्वप्रथम नृतत्व शास्त्र शब्द का प्रयोग करने के उपरांत अपनी स्वयं के विषय में कहा था कि उनके मानव एवं समाज पर विचार संपूर्ण मानव जीवन दर्शन में आज भी अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के साथ ही उनकी विविध प्रकार की अभिरुचियाँ भी थीं। उन्होंने यह विवेचना की कि समाज तत्व सामाजिक तत्व सदैव अस्तित्व में रहते हैं, अतः भूतकाल को प्रस्तुत करने हेतु सामाजिक तत्वों का गहन अध्ययन करना आवश्यक है। उन्होंने विशेष आग्रह से कहा, मानव की भौतिक आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें वह प्रयास करके पूरी करता है। किसी भी नगर का अस्तित्व मानव के अभाव में संभव है, किंतु नगर का अस्तित्व तभी विद्यमान रह सकता है जब व्यक्ति का जीवन सुचारू रूप से गतिशील होने में सक्षम हो। उन्होंने इस तथ्य को भी स्पष्ट रूप से इस प्रकार व्यक्त किया कि मानव जीविकोपार्जन से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति पौधों एवं जानवरों की संवेदनशीलता से करता है, और मानव ही एक ऐसा जीव है जिसमें बुद्धिमत्ता से मूल्यांकन करने की शक्ति होती है जो भाषा अभ्यास यानी आदत प्रथा एवं नाना प्रकार के तर्कों से प्रस्फुटित होती है। एरिस्टोटल की सामाजिक एवं संस्कृति का अध्ययन करने की विधि आधुनिक काल के अध्ययन पद्धतियों से अधिक निकट थी। इसके साथ ही यह भी देखा गया कि उनकी अध्ययन पद्धति संपूर्ण रूप से मानवशास्त्रीय एवं अंतर्दृष्टीय थी, जिसे संस्कृति के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया द्वारा अर्जित किया जा सकता है। समाज के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन एवं विश्लेषण के पश्चात एरिस्टोटल इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि किसी भी समाज के अध्ययन हेतु सूक्ष्म अध्ययन विधियों का विशेष महत्व है। इसके साथ ही सामाजिक संबंधों का अध्ययन निरीक्षण और विश्लेषण से ही भलीभांति किया जा सकता है, जो आधुनिक युग की तुलनात्मक विचारधारा की विषय सामग्री है। समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं के अतिरिक्त एरिस्टोटल के मानव के गणितीय शास्त्र योगदान पर संक्षिप्त विचार करना आवश्यक है। इस संबंध में जानवरों के वंशज, जानवरों का इतिहास एवं प्राणीशास्त्र योगदान पर संक्षिप्त विचार करना आवश्यक है। इस संबंध में उनके जानवरों के वंशज, जानवरों का इतिहास, जानवरों की गतिविधियां आदि लेख उल्लेखनीय हैं। वर्तमान में शारीरिक मानवशास्त्रियों एवं प्राणीशास्त्रियों से विभिन्न प्राणीशास्त्रीय निष्कर्षों को प्रतिपादित करने के लिए सामाजिक जीवन की अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया है। तदनुसार एरिस्टोटल की लोकप्रिय अध्ययन प्रणाली को होलिस्टिक अप्रोच के नाम से जाना जाता है। एरिस्टोटल के पश्चात संपूर्ण मानव जाति के राजनीतिक जीवन का शीर्ष पतन हुआ। दृष्टिकोण में राजनीतिक जीवन के प्रति अनिश्चितता के कारण छात्रों में असंतोष तथा उनकी मनोवृत्ति व दृष्टिकोण में अकस्मात परिवर्तन हुआ। यही स्थिति विभिन्न प्रकार के विचारकों के संप्रदायों में देखी गई है, जिसमें एपिक्यूरस 341 से 270 ईसा पूर्व द्वारा लिखित एपिक्यूरियन संप्रदाय का नाम उल्लेखनीय है। एपिक्यूरियस डेमोक्रेटस की यांत्रिकीय अध्ययन पद्धति मैकेनिस्टिक अप्रोच से प्रभावित होने के कारण एपिक्यूरियस ने समाज को मानवीय तथ्य घटना कहा है।
धन्यवाद।